चॉइस गैंग्स ऑफ वासीपुर जैसा कि फीचर फिल्म है और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कहानी घंटों में कही जाती है। शॉर्ट फिल्म में एक अच्छी चीज़ ये है कि कम समय में और गिनती के कुछ कैरेक्टर्स, एक दो या तीन, उनके बीच में कहानी चल रही होती है और कहानी कह पाना कुछ मिनटों में आसान नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करना, एम्बियंस एस्टेब्लिश करना, ये करने में ही बहुत सारा मिनट तो चला जाता है हमारी फिल्मों में, लेकिन शॉर्ट फिल्म में उतनी देर में हमें पूरी कहानी कह देनी होती है। तो शॉर्ट फिल्म में जो एक करते समय जो मज़ा आता है, लाइक सारे के सारे बस टू द पॉइंट कि ये चीज़ मुझे करनी है और ये मेरी स्टोरी लाइन है, डायरेक्टर ये चाहता है, सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं। हम लोग होमवर्क वगैरह कुछ कर रहे थे ऐसा बिफोर शूट, देन गौरव टोल्ड मी कि विनीत ये जो दाढ़ी थोड़ी बढ़ी हुई है इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, और वो आइडिया ये था कि पहले हम लोग वो पोर्शन करेंगे जिसमें बियर्ड है, उसके बाद फिर वो दूसरा पोर्शन करेंगे जिसमें विनीत महाजन एक पढ़ा लिखा और समझदार, सक्सेसफुल और लाइफ में खुश है, फिर वो कैरेक्टर हम लोग शूट करेंगे। और उस चीज़ ने ऐसे वर्क किया कि आप स्क्रीन पे देख के लगता ही नहीं कि एक दिन का काम है। पहली चीज़ ये है कि कोई भी एक्टर काम करने के बाद ये चाहता है कि मैं खुश हो रहा हूँ कि नहीं, अंदर से मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। तो वो अगर कोई कहानी अच्छी है और आप सही किरदार कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो करने के बाद एक अजीब सी खुशी होती है, और किसी काम को करने में अगर वो खुशी मिलती है तो आप एडिक्ट हो जाते हैं उस काम के। मेरे लिए जो टफ था वो ये था कि डायरेक्टर का आइडिया ऐसा था कि बात का जो एक पोर्शन है जो बहुत लंबा सा है दोनों कैरेक्टर का, वो वन शॉट है, उसको कट नहीं करेंगे। कि एक डायरेक्टर अगर कुछ बोलता है कि विनीत महाजन जो चौल में रहता है और विनीत महाजन जो वकील है सक्सेसफुल है, तो जो चौल का बंदा है उसका बोलना लाइक ही सेइंग ए बी सी डी, एंड विनीत महाजन जो सक्सेसफुल है डी के बाद वो कंटिन्यू करेगा कि ई एफ जी, एंड एच से लिफ्ट करेगा विनीत महाजन चौल का, तो कट नहीं किया है। दैट मच पॉज शुड बी देयर कि उसमें दूसरा विनीत महाजन जो कुछ बोलने वाला है वो उस स्पेस में आएगा कि नहीं आएगा, एंड उतनी टाइमिंग मुझे फीड करनी थी अपनी ब्रेन में, और उसके बाद फिर IJKLMNOP जो भी मेरे डायलॉग्स हैं, देन अगेन दूसरे विनीत महाजन के डायलॉग्स हैं। तो वो जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरे लिए इजी हो गया जब डायरेक्टर ने ये बोला कि विनीत ओके द यू आर वेरी क्लोज टू द टाइमिंग, बट अगर नहीं भी होता है तो हम कट कर लेंगे। उसने मेरा प्रेशर निकाल दिया और उसकी वजह से शायद वो बिना काटे वो चीज़ अपने आप फिट होती चली गई। That was really a very good experiment for the film. वो याद रहेगा।